हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल मिशन में। दोस्तों, जैसा कि कल के वीडियो में आपने देखा कि यहाँ पे जो अल्टीमा का प्राइस है 20,000 प्लस डॉलर पर वर्क कर रहा है, और आज भी हम देखते हैं कि इसका प्राइस क्या रहने वाला है। तो हम चलते हैं कॉइंसबिट एक्सचेंज पे, और कॉइंसबिट एक्सचेंज पे हम आ चुके हैं। आप यहाँ पर प्राइस देख रहे होंगे। दोस्तों, मैं फिर से यही कहूँगा कि और आगे डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी पर्सन चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँचे। तो अब बात करते हैं अभी प्रेजेंट में प्राइज के बारे में। तो PLCU का प्राइज है 20,000 USDT, $20,000। आज थोड़ी सी यहाँ पे गिरावट देखी गई है, और अब देखते हैं चेंज 24 आवर्स में क्या चेंजेस आए हैं। तो -2.4% की यहाँ पे गिरावट देखी गई है। गिरावट होने के बाद भी $20,000 पर अभी ये प्रेजेंट में है। वॉल्यूम की यदि हम बात करते हैं यहाँ पे, तो 90.90 यहाँ पे वॉल्यूम दिखा रहा है। यदि इस टोटल कॉन्सेप्ट को हम देखते हैं, तो इसके विपरीत, इसके अपोजिट यदि हम बात करें एक्स कॉइन की, तो एक्स कॉइन का जो कल प्राइस हमको दिखाया गया था वो था 5, और आज भी इसका प्राइस 5 PLCU है। यहाँ पे ग्रोथ भी शो नहीं कर रहा है, ये देखिए 5 PLCU, और वॉल्यूम 0.04% पे है। अब यहाँ पे एक्स का प्राइस यदि 5 PLCU है, तो स्वाभाविक है कि यहाँ पे PLCU का जो प्राइस है $20,000 है। तो $20,000 PLCU का प्राइस। अब हम इस पे आगे बात करते हैं कि क्या ये स्टेबल रहने वाला है या नहीं। तो मैं आपको इसके बारे में क्लियर करता हूँ। यहाँ पे यदि हम PLCU को इसी रेट पे देख रहे हैं, और यही रेट यदि रहने वाला है, तो यहाँ पे मैं आपको कंडीशन बता दूं कि PLCU कॉइन में जिसने इन्वेस्ट किया था, उसका $20,000 से पहले लगभग $1,000 पे ये वर्क कर रहा था, और जो भी उसकी मिंटिंग आ रही थी वो मतलब ₹1,000 भी सही से नहीं बन रही थी। लेकिन आज के समय की बात करें, $20,000 यदि इसका प्राइस आगे भी रहने वाला है, तो लोगों को काफ़ी बेनिफिट यहाँ से हो सकता है। लेकिन यहाँ पे एक जिसको मैं कहूँगा नेगेटिव बात भी सामने आएगी। यदि इसका प्राइस $20,000 पर ही रहा, ये ट्यूसडे को क्लियर हो जाएगा। ट्यूसडे को यदि सिस्टम पे जो वर्क चल रहा है वो यदि कंप्लीट हो चुका है, और उसके बाद भी यदि इसका रेट $20,000 ही रहा, तो लोगों को बेनिफिट होने वाला है। लेकिन जो मैं नेगेटिव बात कर रहा था कि PLCU जो भी लेके आज बैठा है, जिसने सेल नहीं किया है या जिसकी मिंटिंग आ रही है, तो वो यहाँ पे सेल करेंगे, और वो यहाँ पे सेल करेंगे तो सभी पर्संस जब सेल पे लगा देंगे PLCU को, तो यहाँ पे इसका रेट दोबारा से डाउन होगा। वो कंडीशन सेकेंडरी है, लेकिन उससे पहले मुझे जहाँ तक लगता है, मेरे ओपिनियन में बता रहा हूँ कि जब सिस्टम स्टार्ट होगा, जब उसका अपडेशन कंप्लीट हो चुका होगा, तो इसका रेट भी डाउन आ जाएगा, तो लोगों को हो सकता है फिर से वही रेट यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। क्योंकि अभी प्रेजेंट कंडीशन की बात करते हैं, तो अभी कॉइंसबिट एक्सचेंज पर भी लेन देन नहीं हो रहा है, और PLCU की जो साइड है उस पर भी वर्क चल रहा है। तो उन्होंने ट्यूसडे का समय दिया था कि ट्यूसडे तक यदि वर्क कंप्लीट होता है तो स्टार्टअप हो जाएगा, और उससे आगे भी यदि वर्क डन नहीं होता है तो आगे भी वर्क हो सकता है। तो ये प्राइस उस टाइम पे क्या रहने वाला है, मेन रीज़न वो रहेगा। तो सभी लोग इस चीज़ को बिल्कुल फोकस करें कि यदि ये प्राइस रहेगा, तो इसे फिर कहना चाहूँगा कि हालांकि कोई बात नहीं मानेगा, सब इसको सेल पे लगाएंगे, तो रेट फिर से डाउन आने की संभावना ज़्यादा रहेगी यदि ये प्राइस रहा तो। तो ठीक है, सब अपने अपने तरीके से PLCU को सेल कर सकते हैं, लेकिन
बस फिर से यही कहूँगा कि प्राइस $20,000 या इससे आप रहना चाहिए तो सभी को बेनिफिट मिल जाएगा या सभी बेनिफिट ले पाएंगे। तो दोस्तों यही हमारा आज का सेशन था। तो मिलते हैं नई जानकारी को लेके। फिर वही कहूँगा कि जो भी पर्सन चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन प्रेस करना जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द जल्द पहुँचे। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।